बेटा आप अपनी स्ट्रेटेजी को बनाए हुए रखें, आप अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज ना करें, बिल्कुल पैनिक ना करें, अपने आप को मोटिवेट करें और बस यूं ही बने रहें और जो आपने साल भर किया है आप उसे करते रहें, बिल्कुल ही आपका सिलेक्शन होगा। ओके बेटा, एंड कीप इन टच। देखिए नीट की तैयारी के दौरान में आखिरी के इस पड़ाव में बच्चों के साथ अक्सर ये होता है कि वो पैनिक कर जाते हैं या डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत सारे अपने उतार चढ़ाव से होकर के गुजरते हैं। इसके फलसफा के तौर पर अगर आप ले तो इसके कारण हमें दो खेमे मिल जाते हैं, एक वो जो अपने अंदर ऐसे कुछ परिवर्तन लाते हैं जिससे कि वो मोटिवेटेड रहते हैं, पैनिक नहीं करते और वो सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे रहते हैं जिनकी तैयारी अच्छी रहती है लेकिन आखिरी मोमेंट पे वो अपने आप को मोटिवेट नहीं रखने के कारण या पैनिक कर जाने के कारण सफल नहीं हो पाते। हम इन्हीं के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए आपको भी सफल बनने का एक मूल मंत्र देना चाहते हैं और इसी लिए हमने एक श्रृंखला बनाई है ड्रॉपर से डॉक्टर तक। इस श्रृंखला में हम सबसे पहले कल 21 जुलाई को आपकी मुलाकात करवाएंगे भिलाई से एकमात्र स्टूडेंट जो AFMC में सिलेक्ट हुई जोया मिर्जा, उनसे आप सीधे बातचीत में अपने सवाल से भी जान सकेंगे, सवाल आप उनसे करके ये जान सकेंगे कि उनकी आखिरी मोमेंट पे उन आखिरी के एक महीनों में दो महीने में उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को अपने मोटिवेशन को कैसे बनाए रखा बिना पैनिक किए हुए। तो जानने के लिए बिल्कुल देखते रहिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लिंक पर हमारा चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।